हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडी अपडेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं, काफ़ी समय से हमारा एमएएच एमसीए सीईटी का एग्जामिनेशन का जो हॉल टिकट था वो पेंडिंग था और एग्जामिनेशन की डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई थी। सो जैसे कि अभी पता चला है कि हम लोगों का एग्जामिनेशन की डेट फिक्स हो चुकी है, जो कि 28 अक्टूबर। सो फिर हमारे लिए हॉल टिकट भी आ चुके हैं और आज का लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो एमएएच सीईटी जो हमारा महाराष्ट्र डीटी सेल है सीईटी सेल है उन्होंने एमसीए सीईटी का एग्जामिनेशन के हॉल टिकट रिलीज़ कर दिए। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर और वहाँ से मैं आपको बता दूँ किस तरीके आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना है। तो देखिए, जैसे कि मेरे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है एमएचसीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट। सो ये आपको अपने डेस्कटॉप या जो भी आपके पास में डिवाइस है वहाँ पे आपको ओपन करना है। वहाँ से आपको जो थर्ड नोटिफिकेशन था वो था आपका एमएचसीईटी का, तो उसके ऊपर आप एक बार क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली ये पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि मेनली एक चीज़ आपको सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि डेट्स आपको देख लेनी है कि जो इनिशियलाइजेशन डेट है, मीन्स कौन सी तारीख से आपके पास में आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो, वो डेट आपको आज की मिलेगी, दैट इज़ 21 अक्टूबर। और जो लास्ट क्लोजर डेट है वो है आपका यहाँ पे 28 अक्टूबर का। सो दोस्तों याद रखिएगा, 28 अक्टूबर लास्ट डेट है हॉल टिकट डाउनलोड करने की, उसके बाद में आप हॉल टिकट डाउनलोड नहीं कर सकते। सो आप ध्यान से अपना हॉल टिकट पहले डाउनलोड कर रख लीजिए, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग करने के लिए। और साइड में अगर आप देखोगे राइट साइड में आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा जिसके अंदर में आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालनी है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स वही डालनी होती है जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालने हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो आपको डालना होगा वहाँ पे, या तो फिर रोल नंबर, जो दोनों में से एक आपके पास में है वो आप डाल दीजिए। और उसके बाद में नीचे में जो पासवर्ड है, पासवर्ड के सेक्शन में या तो आपने पासवर्ड आपको डालना है या फिर आपको अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है। और नीचे में जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको डाल देना है। एक बार आप कैप्चा डाल दोगे उसके बाद में आपको सबमिट करना है। एक बार आप सबमिट कर दोगे तो आप डायरेक्टली एक दूसरी स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे आपको अपना हॉल टिकट दिख जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना है। और इन चीज़ों में कहीं पर भी आपको इश्यू आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड में जो FAQ दिए रखे हैं वो आपको पढ़ना है। FAQs में अगर आप लोग जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आई डाउनलोड माई कॉल लेटर, दैट इज ये हॉल टिकट। आपको हाउ डू आई डाउनलोड माई कॉल लेटर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं हम लोग, उस टाइम पे आपको आपने फिल किए होंगे। अगर आपके पास में नहीं है, आप भूल चुके हों, तो आप अपना मेल आईडी चेक कर लो, बिकॉज मेल आईडी में आपको डायरेक्टली आपको दे दिया रहता है कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है और आपको अपना पासवर्ड या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो, व्हाट शुड आई डू इफ़ There is a lot of delay in accessing the page। अगर ये काफ़ी सारा समय लेता है तो दोस्तों इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसके अंदर में कैसा रहता है कि एक साथ अगर कई सारे एप्लीकेंट्स एक साथ एक ही चीज़ को एक्सेस करते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो फिर अगर ऐसा कोई भी इशू आता है तो आप थोड़े समय के बाद में फिर से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। या तो आप डिवाइस चेंज करके भी ट्राई कर सकते हो, किसी और के डिवाइस से भी ये ओपन कर सकते हो और आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू आई डू मीन्स फ्रॉम वेयर विल आई गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके हॉल टिकट में आपने जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तब आपको आ चुका होगा आपके ईमेल आईडी पे, जो मेन ईमेल आईडी रहेगा आपने रजिस्ट्रेशन, आपने जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा उस टाइम पे आपने जो ईमेल आईडी डाला है उसी ईमेल आईडी पे आपको अपना डिटेल्स भी आ चुका होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। सो आप वहाँ से पिक करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई डेट ऑफ बर्थ इज़ रिजेक्टेड ऑन लॉगिन स्क्रीन। या सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रिजेक्ट होता है तो आपको पहले ध्यान से देख लेना है कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कौन सा डेट ऑफ बर्थ डाला है। तो पहले आप सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कीजिए कि आपने कौन सा डेट ऑफ बर्थ डाला है, और उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे भी अपना डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना है, जो कि होता है जो लीगल डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट होता है वो होता है DDMMYY, दैट इज़ डेट मंथ एंड देन ईयर। सो आपको उसी फॉर्मेट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डालना है, तभी जाके आप लॉगिन कर पाओगे। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अनेबल टू लॉग इन स्क्रीन और डिस्प्ले लॉग इन फेल्ड मैसेज। या सो अगर आपका इस तरीके से फेल्ड मैसेज आता है, आप वंस एक बार आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो और
ऑन द क्लिकिंग ऑफ लॉगिन बटन। सो अगर ये मैसेज फेल करके बार बार लिख कर आता है तो आपको अपने सिस्टम का कैशे क्लियर करना है, आपको अपने सिस्टम का हिस्ट्री क्लियर करना है, क्योंकि एक बार हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार कैशे में वो सेव हो जाता है कि हाँ आपने कुछ रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, तो फिर वो बार बार वही दिखाता है। अनलेस एंड अल्टिल आप अपना हिस्ट्री क्लियर नहीं करते हो तब तक आपको वही शो करता है। तो आपको अपना हिस्ट्री क्लियर करना है और उसके बाद में मेक श्योर करना है कि आप जो भी चीज़ें डाल रहे हो, जो भी आपने डिटेल्स डाल रहे हो, वो आपका सही डाल रहे हो। सो दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।